बातचीत की है। आज मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही ऐतिहासिक दिन रहा, रुझान सामने आए और वहां पर बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और 23 की टक्कर का सरताज कौन होगा, साफ पिक्चर अब नजर आ रही है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। क्या लग रहा है आपको, लाडली बहना योजना, मोदी मैजिक, क्या वो फैक्टर था? मध्य प्रदेश के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। हमने जब मेरा बूथ सबसे मजबूत का अभियान में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने प्रत्येक बूथ पर जीतने का हमें संकल्प दिलाया था। तब हमने कहा था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो इस अभियान को 2024 में पुनः प्रधानमंत्री जी को बनाने के लिए मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत की सरकार बने, जनता ने आज इसको आशीर्वाद दिया है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल रहेगा, 2024 की आपने बात कही और इस चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा था, तो एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, आने वाले समय में कैसी लहर देख रहे हैं आप? विस्तार से। आने वाले समय में देश के मन में मोदी, और हमने मध्य प्रदेश के अंदर तय कर दिया है हर बूथ पर मोदी। और ये अभियान जो हमने 51% वोट शेयर का संकल्प, मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और मैं तो मेरे विजनरी नेता अमित शाह जी को मानता हूं कि उन्होंने ग्वालियर की बैठक में कह दिया था कि आज मुझे विश्वास है कि संगठन की ताकत के बल पर मध्य प्रदेश में इतिहास बनेगा, और उन्होंने 150 से ऊपर सीटों की बात कही थी, और आज भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से आगे बढ़ी है। तो इसलिए आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में हर बूथ पर मोदी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, इस अभियान के साथ हमने शुरुआत कर दी है। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, जब से आप अध्यक्ष बने कहा जाता है मजबूती आई है और सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, आगे बढ़ना है, ये कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला है, आगे आपकी भूमिका मैं कैसे देखती हूँ? मुझे मेरे नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और मध्य प्रदेश के हमारे नेतृत्व ने मुझे ये काम दिया था प्रदेश अध्यक्ष के नाते से, मेरी जवाबदारी थी कि हम बेहतर से बेहतर कैसे कर सकें, इस भूमिका को निभाने का प्रयास किया है। आगामी समय में 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ हम प्रत्येक बूथ जीतने का ही हमारा संकल्प है, और इसी काम में जो आशीर्वाद केंद्रीय नेतृत्व का मिलेगा, तो ये प्रयास होगा कि हर बूथ पर आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश के अंदर इतिहास बनाएं, उसमें मध्य प्रदेश की भूमिका बने। पहले हम 28 जीते थे, एक सीट बची थी, इसको भी इस बार हम जीतेंगे, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल, तो जो बची हुई सीट थी उसको भी जीतेंगे, और संकल्प यही है कि मध्य प्रदेश का विकास हो, प्रगति हो, और इसी के साथ मेहनत भी की गई और कहीं ना कहीं रुझानों में उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। प्रगति शर्मा, कैमरामैन कामेश के साथ न्यूज़ स्टेट।